गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है ये है क्लास हमारी हमारा जो टॉपिक है जो हम लास्ट में पढ़ते आ रहे थे ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स, सो उसी पे बेस्ड हमारा ये टॉपिक है। सो आज हम पढ़ेंगे कैन वर्ड को हम किस तरीके से यूज करते हैं यहाँ पे। सो हमारे पास जो वर्ड्स हैं ये हैं कैन, कुड, मे और माइट। तो ये हमारे पास चार वर्ड्स हैं कैन, कुड, मे और माइट। सो ये फोर वर्ड्स को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम यूज करेंगे कैन वर्ड को। सो कैन वर्ड जो है ये यूज होता है तो जो कैन वर्ड है ये यूज होता है यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी कि किसी चीज़ की काबिलियत को दिखाता है या किसी की क्षमता को दिखाता है। सो कैन वर्ड को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब जो कैन के लिए जो एग्जांपल्स है हमारे पास सबसे पहला जो यहाँ पे एग्जाम्पल ये है ही कैन डू दिस सम, यानी कि वो इस सम को कर सकता है। सो आप देखिए यहाँ पे कि जो कैन है ये यहाँ पे आपकी किसी भी चीज़ की एबिलिटी को बता रहा है, यानी एबिलिटी यानी कि काबिलियत कितनी है यहाँ पे कि हम इस कि वो इस क्वेश्चन को कर सकता है। सो यहाँ पे वो अगर इस क्वेश्चन को कर सकता है दैट मीन ही कैन डू। सो कैन इज यूज टू रिप्रेजेंट दी एबिलिटी। सबसे पहला तो हमारा एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, की क्या तुम इस बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हो। लिफ्ट करना यानी होता है उठाना। सो अब देखिए यहाँ पे कि जो कैन है कैन से यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे हम फिर किसी की एबिलिटी को पूछ रहे हैं कि यहाँ पे किसी की एबिलिटी है कि वो इस बॉक्स को लिफ्ट कर सके। सो कैन वर्ड हमेशा हम यूज़ करते हैं किसी भी एबिलिटी और कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करने की। सबसे पहले तो ये दो एग्जाम्पल है, हमको आप नोट कर लीजिए। तो जो नेक्स्ट है हमारा ये है कि कैन और मे, मे और कैन जो है आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, यानी कि हम इन वर्ड्स को परमिशन मांगने के लिए भी हम इनको यूज करते हैं। सो कैन और मे जो है, कैन और मे इनको हम जो है परमिशन मांगने के लिए, परमिशन यानी कि किसी भी चीज़ की इजाज़त मांगने के लिए हम इनको यूज करते हैं। अब जो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे
जो सबसे पहला एग्जांपल है ये है यू कैन और मे गो नाउ, यानी कि तुम जा सकते हो. तो इसलिए हम यू कैन भी यूज कर सकते हैं या हम यू मे भी यूज कर सकते हैं. सो यू कैन गो नाउ या हम लिख सकते हैं यू मे गो नाउ. सो ये दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे आपके. तो इन दोनों वर्ड्स में से आप किसी को भी इस सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हो जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस है कैन ऑब्लिक मे आई बोरो योर बुक, यानी कि क्या मैं बुक जो है वो बोरो कर सकता हूँ. सो इसको आप यहाँ पे कैन, यहाँ पर फिर किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि एक बुक बोरो करने के लिए. बुक बोरो करना यानी किसी से बुक लेने के लिए. सो अब देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कैन आई बोरो योर बुक या हम यूज़ कर सकते हैं मे आई बोरो योर बुक. सो कैन और मे का यहाँ पे सेम ही मीनिंग निकलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पे. सो आप इन दोनों में से किसी भी वर्ड को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. सो ये दो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम कैन और मे को किसी भी परमिशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. सो इनको आप नोट कर लीजिए. तो अब जो सबसे पहले हमारे पास कि मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो मे वर्ड है इसको हम यूज़ करते हैं विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कोई चीज़ के हम होने की संभावना हम बताते हैं. तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं मे को ताकि हम सेंटेंसेस को फॉर्म कर सकें. इसी तरीके से कैन इज़ यूज इन द करस्पॉन्डिंग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि ये डेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी यूज किया जाता है. डेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, और नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कि हम किसी चीज़ के ना होने की हम संभावना को व्यक्त करते हैं. सो यहाँ पे जो इंटरोगेटिव और नेगेटिव और एफर्मेटिव, सो ये तीन टाइप के सेंटेंसेस के साथ जो है यहाँ पे जो है हम मे का इस्तेमाल करते हैं. सो अब जो इनके एग्जांपल हो जाएंगे, सबसे पहले तो आप इसको यूज को नोट कर लीजिए कि हम मे को किस किस तरह यूज करते हैं.
तो यहाँ पर आप देखिए कि दो सेंटेंसेस हैं। ये पहला है ही मे बी एट होम, कि वो घर पे हो सकता है। सो यहाँ पर आप देखिए कि मे को हमने यूज़ किया है कि किसी चीज़ की हमको होने की आशंका है, यानी कि वो घर पे हो सकता है। सो इस तरीके से जो पहला सेंटेंस हो गया, ये हमने मे को यूज़ किया है विथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि ही मे बी एट होम, सो मे यहाँ पर यूज़ किया है विथ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकेंड है कैन, सो मे और कैन मैंने आपको लास्ट अभी जो इसके पहले जो एग्जाम्पल्स पढ़ाए थे उनमें भी हमने यूज़ करा था। सो मे और कैन को हमने एक साथ ही यूज़ किया था। सो कैन दिस बी ट्रू, कि क्या ये सच हो सकता है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि पूरा सेंटेंस जो है ये है आपका एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हम इसमें किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं। सो वेन वी क्वेश्चन समथिंग, सो दैट काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि ये हमने क्वेश्चन को पूछने के लिए हमने यहाँ पे कैन का जो है वो यूज़ किया है। सो ये तो हमारे एग्जांपल्स हैं। तीसरा एग्जांपल ये हो सकता है हमारा, इट कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि ये सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे कैन नॉट है, कैन नॉट यानी कि मतलब ये हो गया एक नेगेटिव सेंटेंस। सो कैन का जो नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा कैन नॉट। सो कैन नॉट यानी कि कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकती। सो यहाँ पे है कैन नॉट बी ट्रू, यानी कि ये सच नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो चीज़ नहीं हो रही है, सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस। सो ये अगेन यूज कैन विथ अ नेगेटिव सेंटेंस। सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स, प्लीज नोट देम इन योर कॉपीज। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि हमको किस तरीके से हम कैन मे को हम यूज़ करते हैं विद एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और हमने को नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और परमिशन को परमिशन के लिए हमको किस तरीके से यूज़ करते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।